हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। क्योंकि जब नए नए सितारों को पॉपुलर शो में जगह मिल जाती है तो भाई उनकी पोजीशन बढ़ जाती है, या ये कहें कि अगर उन्हें अप्रोच भी कर लिया जाता है तो सोशल मीडिया में तहलका मच जाता है। हिंदी टेलीविज़न में दो शो में तूफान आने वाला है। एक आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है और दूसरा है कुमकुम भाग्य, जो कि एक नई पीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम ये कहें कि उसमें जनरेशन लीप आने वाला है। ऐसे में जनरेशन लीप को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचा हुआ है। भाई कुमकुम वालों की कास्ट ने तो कह दिया है हाँ लीप आने वाला है और हम नई जनरेशन का वेलकम करेंगे, उनके साथ हम जो है मिलकर रहेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। चलिए, उन्होंने तो खुलकर बोल दिया कि हाँ कुमकुम में लीप आ रहा है। ऐसे में स्टार प्लस का सबसे पुराना शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई जो है लीप की तरफ इशारा दे रहा है। जो रोज़ के एपिसोड देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं, उन्हें साफ लग रहा है लीप आने वाला है। सोशल मीडिया के हर पेज पर डला हुआ है कि ये रिश्ता में लीप आने वाला है। यहाँ तक कि स्टोरी तक वायरल हो रही है, या कहे कि जो है कब तक लीप आएगा ये तक न्यूज़ वायरल हो रही है। पर वहाँ पे ये रिश्ता की किसी भी कास्ट ने या उफ राजन शाही ने, जो इसके कर्ता धरता हैं, उन्होंने इतना सा भी क्लू नहीं दिया है कि भाई हमारे शो में लीप आने वाला है। अब हम आपको चौथी पीढ़ी दिखाने वाले हैं। पहली पीढ़ी हमने हीना दिखाई थी, दूसरी पीढ़ी शिवांगी दिखाई थी, तीसरी पीढ़ी हमने प्रणाली दिखाई थी, अब चौथी पीढ़ी जो है वो जिक्र ही नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में आग की तरह न्यूज़ वायरल हो रही है। वजह है TRP, दोनों शो में लीप इसलिए दिया जा रहा है कि जो है TRP बढ़ जाए, क्योंकि TRP एक जगह रुक गई है। अब जब TRP एक जगह रुक जाती है तो ये शो के लिए खतरनाक की निशानी होती है। कहते हैं ना कि अगर आप नाले में पानी रुका रहता है तो वो सड़ जाता है, पानी चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो TRP चलती उड़ती रहे, बढ़ती रहे घटती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में राजन शाही के शो कि काफ़ी क्लिप सामने आ रही हैं कि भाई लीप आ रहा है, हर्षद चोपड़ा के इतने एपिसोड रह गए हैं, वो इतने एपिसोड शूट करेंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद प्रणाली थोड़ा सा आपको नज़र आएगी। मोस्टली हमेशा ही होता है कि राजन शाही के शो में कि जो मेन लीड हीरो होता है वो चला जाता है, या उसकी मौत दिखा देते हैं, जो उसकी पत्नी होती है वो बच्चों को पालती है, फिर उसके साथ भी हादसा हो जाता है, वो मर जाती है। तो इस तरह ही क्या प्रणाली भी थोड़ा सफ़र करेगी। लेकिन फिलहाल न्यूज़ है कि प्रणाली भी शो में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रुकेंगी, लेकिन उससे पहले हर्षद चले जाएंगे। न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है अभी जो है। अब इसे हुमर कह दीजिए या फिर आप बात को छिपाना कह दीजिए, जब तक आपके जो है प्रोफेशनली जो है भाई आपके राजन शाही या कोई कास्ट ना बोल दे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको खुश होना चाहिए, फिलहाल अभीरा को तो एक दिखा रहे हैं ना, जो फैंस कह रहे थे हमें अभीरा चाहिए। अब उसी के बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई है, हितेश भारद्वाज, जिन्हें आपने छोटी सरदारनी में पुलिस का रोल करते हुए देखा था, या फिर कहें गुम है किसी के प्यार में, जो नहीं गुम नहीं शौर्य अनोखी की कहानी में जो है पुलिस का रोल करते हुए देखा था, या फिर सबसे बड़ा सवाल उड़ारियन में सेकेंड जनरेशन में हितेश भारद्वाज को देखा था, जिनकी फ़ोटो मैंने इसी वीडियो की DP पे लगाई है। सुनने में आया है पक्का कंफर्म हो चुका है, कंफर्म अप्रोच नहीं कंफर्म, कि दो शो में लीप आ रहा है। एक तो कुमकुम में आ रहा है और एक आपके ये रिश्ता क्या कहलाता। इन्हें दोनों शो में अप्रोच किया है और काफ़ी हद तक फाइनल भी हो चुके हैं। अब ये कुमकुम में आएंगे या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता में आएंगे, अभी ये न्यूज़ तो सामने नहीं आई है। लेकिन इनकी इशारा निकल चुका है जनरेशन लीप के बाद हम आ रहे हैं, तो जनरेशन लीप के बाद भाई ये उसी में ही आएंगे, क्योंकि उड़ारियन में भी जनरेशन लीप के बाद आए थे। अब देखते हैं ये रिश्ता में दर्शन देते हैं या कुमकुम में। आपको किस में लगता है कि कुमकुम में देंगे या फिर ये रिश्ता में देंगे? स्टार प्लस के भी शो पे काम कर चुके हैं, जैसे मैंने बताया शौर्य अनोखी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो है किस शो में आएंगे 20 साल के लीप में?
कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।